वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज कर रहे थे, तो अब आप आ जाइए चैप्टर नंबर 10 पर। चैप्टर नंबर 9 को हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था कंपटीशन प्रोफाइल पर चैप्टर 9 के लिए, यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। नाउ विल स्टडी, अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं बच्चों, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स यानी जो बह सकता है, विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। तो द्रव और गैस दोनों को मिलाएं तो उसको बोलते हैं हम फ्लूइड, क्योंकि गैस भी बह सकती है और लिक्विड तो बह ही सकता है। तो उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को हमें पढ़ना है। तो इस चैप्टर में क्या क्या इंक्लूडेड है वो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन आ गया। इंट्रोडक्शन में हमें पूरा पता चलने वाला है कि इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट रहेगा या इसका फोकस क्या है और इसका आउटकम हमको क्या चाहिए। देन प्रेशर के बारे में हम जानेंगे, प्रेशर के बारे में फुल डिटेल में हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फ्लो की बात हम करेंगे, जिसको हम लाइफ से लिंक कर सकते हैं इजीली, स्ट्रीमलाइन फ्लो, बर्नौलीज प्रिंसिपल, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे डे टू डे लाइफ में। देन रेनॉल्ड्स नंबर, वो क्या होता है उसको समझेंगे हम। और फाइनली सरफेस टेंशन को डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड जो चैप्टर के करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी क्यों बोले हम, हर चैप्टर का पार्ट समरी, पॉइंट्स टू पॉन्डर, एक्सरसाइजेज, एडिशनल एक्सरसाइजेज, अपेंडिक्स और जुड़ा हुआ है इसमें। तो ये पूरा कंटेंट है इस चैप्टर का। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी सम कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस। तो जैसा मैंने आपसे बोला था, फ्लूइड में दोनों आ जाते हैं, तो इनकी जो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज है वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। लिक्विड्स एंड गैसेस कैन फ्लो, दोनों बह सकते हैं, एंड देयरफॉर called fluids, इसलिए हम इनको बोलते हैं fluid. It is this property that distinguishes liquids and gases from solids in a basic way. यही जो है मूल गुण है जिसके आधार पर हम अंतर कर सकते हैं solids में, क्योंकि वो बह नहीं सकते, जबकि द्रव और gases बह सकती हैं। Fluids are everywhere around us, हमारे चारों तरफ हैं। Earth has an envelope of air. And two-thirds of its surface is covered with water. जैसे कि हमको पता है, दो तिहाई भाग जो है वो क्या है, पानी से covered है। Water is not only necessary for our existence, हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है जल। Every mammalian body constitute mostly of water. हमारे अंदर भी 75% तो water ही हम जानते हैं। All the processes occurring in living beings, including plants, are mediated by fluids. कहीं ना कहीं fluid का important role वहाँ आ जाता है. Thus, understanding the behavior and properties of fluids is important. तो इसके बारे में जानना इसलिए जरूरी हो जाता है. जल्दी ही बच्चों मैं एक series और launch करने जा रहा हूँ, क्योंकि at present time जो films हैं वो हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुकी हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जिसने, मतलब बहुत ही कम एक्सेप्शनल केसेस होंगे जो पिक्चर नहीं देखते या फिल्में नहीं देखी उन्होंने। तो एक साइंस स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्मों में क्या है, यानी फिल्मों से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो हमारे काम का हो सकता है, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिल्मों की फिजिक्स या फिजिक्स इन फिल्म्स, इस नाम से मैं कोई एक सीरीज लॉन्च करूंगा जो काफी इंटरेस्टिंग रहेगी। तो वहां पर आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कर पाएंगे थ्रू द विजुअल्स, ऑडियो विजुअल्स। ओके, How the fluids different from solids? What is common in liquids and gases? ये जो सवाल है, unlike a solid, a fluid has no definite shape of its own. इसका खुद का कोई आकार नहीं होता. Solids and liquids have a fixed volume, whereas a gas fills the entire volume of its container. ये सब आपने छोटी क्लास में पढ़ लिया था, आप जानते हैं अच्छे से three states of matter के बारे में। We have learned in the previous chapter that the volume of solids can be changed by stress. ये recently हमने सीखा, the volume of solid, liquid or gas depends on the stress
और प्रेशर एक्टिंग ऑन इट पर डिपेंड करता है. व्हेन वी टॉक अबाउट फिक्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और लिक्विड वी मीन इट्स वॉल्यूम अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, जो भी सामान्य वायुमंडलीय दाब है उसके सापेक्ष, उसके रेफरेंस में अगर हम बात करें तो हम उसकी बात करते हैं. जैसे अभी जो है कोई बॉल है आपके पास, स्टायरोफोन की बॉल, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में है. तो उसका जो भी वॉल्यूम है 4/3 πr³, ये फॉर्मूला लगाकर हम निकाल सकते हैं. पर उसी को अगर पानी के भीतर ले जाएं तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा. तो जब हम बात कर रहे हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट फिक्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और लिक्विड, तो हम ऑर्डिनरी प्रेशर यानी अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रेशर चेंज होगा तो वो चेंज हो जाएगा. द डिफरेंस बिटवीन गैसेस एंड सॉलिड्स और लिक्विड्स इज दैट फॉर सॉलिड्स और लिक्विड्स द चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू द चेंज ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर इज रादर स्मॉल. ठीक है, सॉलिड्स में बहुत ही कम होता है. इन अदर वर्ड्स, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव मच लोअर कंप्रेसिबिलिटी एज कंपेयर टू गैसेस. और ये हमने प्रीवियस चैप्टर में बच्चों न्यूमेरिकली कैलकुलेट करके देखा था. अगर आपने क्वेश्चंस किए हैं तो आपको पूरा आइडिया होगा. बल्क मॉडुलस को यूज किया था हमने, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट्स पर, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड थे. शेयर स्ट्रेस कैन चेंज द शेप ऑफ ए सॉलिड कीपिंग इट्स वॉल्यूम फिक्स्ड. द की प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स इज दैट दे ऑफर वेरी लिटिल रेजिस्टेंस टू शेयर स्ट्रेस. फ्लूड जो है, जैसे बहुत गाढ़ा फ्लूड अगर है, जैसे शहद है या मोबिल ऑयल है, तो वो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस दिखा सकते हैं, अदरवाइज वो फ्लो होते जाएंगे इनडेफिनेटली. देयर शेप चेंजेस बाय एप्लीकेशन ऑफ वेरी स्मॉल शेयर स्ट्रेस. द शेयरिंग स्ट्रेस ऑफ फ्लूड इज अबाउट मिलियन टाइम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ सॉलिड्स. यही कारण. तो इस चैप्टर में हम इन सवालों का जवाब ढूंढने वाले हैं बच्चों. हाउ आर फ्लूइड्स डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड्स, व्हाट इज कॉमन इन लिक्विड्स एंड गैसेस. सो लेट्स स्टार्ट. क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रेशर की एप्लीकेशन आ रही है, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो प्रेशर से रिलेटेड सभी टर्म्स को समझना जरूरी हो जाता है इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले. सो एक्चुअली प्रेशर क्या रोल प्ले करने वाला है या क्या रोल हमारी लाइफ में प्ले कर रहा है वो समझते हैं. इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो समझते हैं. तो आर्टिकल 10.2, प्रेशर ए शार्प निडल व्हेन प्रेस्ड अगेंस्ट आवर स्किन पियर्सेस इट. ये आपको पता है ना, कील को आप दीवार में उल्टा करके नहीं ठोक सकते हैं. हाँ, नुकीली सतह जब दीवार की तरफ होगी तो आप आसानी से उसको दीवार में ठोक सकते हैं. और ऐसा ही सुई के साथ है, कांटा हो गया, सुई हो गई. हाउएवर रिमेन्स इंटैक्ट व्हेन ए ब्लंट ऑब्जेक्ट विद ए वाइडर कॉन्टेक्ट एरिया से द बैक ऑफ ए स्पून इज प्रेस्ड अगेंस्ट इट विद द सेम फोर्स. उतना ही फोर्स उल्टा करके लगाएं तो वो आपकी त्वचा को, आपकी स्किन को नहीं छेद पाएगी, आर पार नहीं जाएगी या अंदर नहीं चुभेगी. इफ एन एलिफेंट वर टू स्टेप ऑन ए मैन्स चेस्ट, हाथी को चढ़ा दिया जाए आदमी की छाती पर, हिज रिब्स वुड क्रैक. ठीक है, उसकी पसलियां टूट जाएंगी. ए सर्कस परफॉर्मर अक्रॉस हूज चेस्ट ए लार्ज लाइट बट स्ट्रॉन्ग वुडन प्लांक इज प्लेस फर्स्ट. लकड़ी का एक फंटा या फट्टा या तख्ता लगा दिया जाता है उसकी छाती पर पहले, इज सेव फ्रॉम दिस एक्सीडेंट. तो हाथी भी उस पर पांव रख सकता है, उसे नुकसान नहीं होता है. सच एवरीडे एक्सपीरियंसेस कन्विंस अस दैट बोथ द फोर्स एंड इट्स कवरेज एरिया आर इंपॉर्टेंट. तो यहां इस डिस्कशन से हमने क्या सीखा, सिर्फ फोर्स से नहीं काम चलेगा, फोर्स एंड कवरेज एरिया, कवरेज एरिया की भी बहुत इंपॉर्टेंस यहां पर है. जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रेन में आपने सफर किया होगा तो देखा होगा ट्रेन की जो पटरियां हैं उनको, जिन पर रखा जाता है उस फिक्सचर को हम बोलते हैं स्लीपर्स. तो वो जो स्लीपर्स होते हैं वुडन हो सकते हैं, कंक्रीट के बने हो सकते हैं. उनका पर्पज यही होता है कि जो लोड आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना ओवर ए लार्ज एरिया, जिससे उसकी इंटेंसिटी यानी कि फोर्स का प्रेशर, इंटेंसिटी यानी प्रेशर कम हो जाए. स्मॉलर द एरिया ऑन विच फोर्स एक्ट्स ग्रेटर इज द इम्पैक्ट. दिस कंसेप्ट इज नोन एज प्रेशर.
और डे टू डे लाइफ में बात करें तो बच्चों वहां पर भी ऐसे ही होता है। घर में कोई गर्मा गर्म बहस चल रही है, अगर उसको उसकी इंटेंसिटी को आप कम करना चाहते हैं तो आपको साथ में वहीं पर हल्की फुल्की बातें जोड़कर ध्यान को डाइवर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर इंटेंसिटी कम होगी और जो भी स्ट्रेस डेवलप होने वाला था उससे आप बच पाएंगे। नहीं तो बोलते हैं ना शब्दों के बाण, तो शब्दों के बाण जो हैं वो उनका जो घाव है उसको कम किया जा सकता है या घाव करने से रोका जा सकता है। वहीं उन्हीं शब्दों के साथ आपको कुछ और शब्द जोड़ देने रहेंगे या एरिया बढ़ा देना रहेगा, यानी कुछ और शब्द आप इस तरह से जोड़ दें कि वो जो इफेक्ट है यानी जो नोक थी तीर की वो ब्लंट हो जाए, भोंटी हो जाए, तो अब ये भेदेगी नहीं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, वो बोलते हैं ना एक मुहावरा और है, बोलते हैं चाशनी में लपेट कर छुरा मारना या ऐसे कुछ, चाशनी में लपेट कर शब्द, तो वही है ना, मीठी छुरी जिसको बोलते हैं। तो मीठी छुरी घाव नहीं करेगी या उसका किया हुआ घाव महसूस नहीं होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, किसी फ्लूइड में आपने डुबो दिया पूरा उसको, एट रेस्ट, फ्लूइड रेस्ट पर है अभी, द फ्लूइड एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन इट्स सरफेस ऑब्वियसली। और ये आप एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं, किसी बैलून को आप डुबोने की कोशिश कीजिए फ्लूइड में, आपको पता चलेगा दिस फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द ऑब्जेक्ट सरफेस। दिस इज बिकॉज, अच्छा कैसे काम कर रहा है, लंबवत काम कर रहा है सतह के फोर्स, दिस फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द ऑब्जेक्ट सरफेस। दिस इज सो, ऐसा इसलिए है बिकॉज इफ देयर वर ए कंपोनेंट ऑफ फोर्स पैरेलल टू द सरफेस, अगर पैरेलल कंपोनेंट हुआ द ऑब्जेक्ट विल आल्सो एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द फ्लूइड पैरेलल टू इट। एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ दिस फोर्स विल कॉज द फ्लूइड टू फ्लो पैरेलल टू द सरफेस एंड सिंस द फ्लूइड इज एट रेस्ट दिस कैन नॉट हैपन। या तो फ्लूड बहने लगेगा और क्योंकि फ्लूड रेस्ट पर है इसका मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट वहां एब्सेंट है। ये आउटपुट इससे निकालते हैं, इस ऑब्जर्वेशन से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं इस प्रेक्षण से। हेंस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूड एट रेस्ट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद इट। तो निश्चित रूप से फ्लूड जो फोर्स लगा रहा है जो कि रेस्ट पर है और फोर्स लगा रहा है, निश्चित रूप से वो सरफेस के नॉर्मली काम करेगा, परपेंडिकुलर काम करेगा। दिस इज शोन इन फिगर 10.1A। तो 10.1A जो ये आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें हम देख सकते हैं कि फ्लूड इस ऑब्जेक्ट पर चारों तरफ से जो फोर्स लगा रहा है वो इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर लगा रहा है। ओके, सो द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूड एट ए पॉइंट मे बी मेजर्ड, इसको हम नाप सकते हैं। एन आइडलाइज फॉर्म ऑफ वन सच प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, प्रेशर को जो नापेगा प्रेशर मेजरिंग डिवाइस कहलाएगा, इज शोन इन फिगर 10.1B। यहाँ पर हमने दिखाया इसको, इट कंसिस्ट ऑफ एन इवेक्यूएटेड चैम्बर विद ए स्प्रिंग। आप खुद भी बना सकते हैं बच्चों इसको, और स्प्रिंग की जगह आप अगेंस्ट एयर प्रेशर यूज कर सकते हैं, यानी आप एक सिरिंज का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सोचना और एक्सपेरिमेंटेशन करके देखना, मजेदार एक्टिविटी रहेगी। सो इट कंसिस्ट ऑफ एन एवोकेटेड चैम्बर विद अ स्प्रिंग दैट इज कैलिब्रेटेड टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन। दिस डिवाइस इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द फ्लूइड, द इनवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द पिस्टन is balanced by the outward spring force and is thereby measured। उसको हम नाप पाते हैं। If F is the magnitude of this normal force on the piston of area A, then the average pressure P average is defined as the normal force acting per unit area। तो बच्चों ये definition आ गई pressure। What is pressure? और especially average pressure। तो average pressure की definition है ये, इसको आप underline कर लीजिए। This is definition for average pressure and this is formula। अच्छा आगे एक टर्म आएगी STP, हम पढ़ने वाले हैं STP, और एक होता है NTP। S से होता है स्टैंडर्ड, तो
स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जबकि एनटीपी पे नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेरिक होता है, पर नॉर्मल टेम्परेचर उस जगह पर निर्भर करता है कहाँ की बात हम कर रहे हैं। इस लेवल पर ज्यादातर केसेस में एनटीपी भी जो है नॉर्मल टेम्परेचर 0 डिग्री ले लिया जाता है, बट इट्स रॉन्ग। जैसे ही आप इंजीनियरिंग में जाएंगे, फर्स्ट ईयर में जाएंगे, वहां आपको सिखा दिया जाएगा, जैसे नॉर्मली भारत में टेम्परेचर 27 डिग्री रहता है, तो एनटीपी पर जो नॉर्मल टेम्परेचर लिया जाएगा वो 27 डिग्री होगा, अमेरिका में जो लिया जाएगा वो 10 डिग्री होगा, इंग्लैंड में जो लिया जाएगा वो 15 डिग्री होगा, लाइक दैट। इन प्रिंसिपल द पिस्टन एरिया कैन बी मेड आर्बिट्रेरीली स्मॉल, कितना भी यादृच्छ, आर्बिट्रेरीली मतलब अपनी इच्छा से। तो सिद्धांततः हम क्या कर सकते हैं, पिस्टन एरिया को कम कर सकते हैं। द प्रेशर इज देन डिफाइंड इन अ लिमिटिंग सेंस में अगर डेफिनेशन बनाए तो लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू जीरो, ये छोटा होते होते जीरो की तरफ जाएगा, तो फोर्स की जो इंटेंसिटी एक तरह से देखा जाए तो वो प्रेशर होगा। अब इसको सीधे सीधे अगर आप लिंक कर पाए, 12th क्लास का करिकुलम जिन बच्चों ने पढ़ा है, जिनको आइडिया है 12th क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, या थोड़ा बहुत आपको एडवांस आइडिया है जो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो ये मैं सिंबल बना रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, F/Q। ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी के लिए अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, देन इट इज E/g। ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी इसको हम कहते हैं, और इसको स्मॉल जी से भी दिखाते हैं क्योंकि न्यूमेरिकली ये उसके इक्वलेंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। एंड इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स Fg डिवाइडेड बाय पर यूनिट मास Fg अपॉन m। ऐसे हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी वो भी डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। आप देखेंगे देयर इज ए सिमेट्री, तो देखा जाए तो ये जो प्रेशर है, हालांकि ये स्केलर क्वांटिटी है, प्रेशर इज स्केलर हियर एंड इट इज F अपॉन a, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एक तरह की इंटेंसिटी है, फोर्स की इंटेंसिटी को हम कहेंगे प्रेशर। प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, आपसे पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है स्केलर क्वांटिटी। रिमाइंड द रीडर दैट इट इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स नॉर्मल टू द एरिया अंडर कंसिडरेशन एंड नॉट द वेक्टर फोर्स दैट अपीयर्स इन द न्यूमरेटर इन इक्वेशन 10.1 एंड 10.2। ये जो एफ है दिस इज कंपोनेंट व्हिच इज नॉर्मल टू द एरिया, ठीक है, एक्चुअल में फोर्स नहीं है, नॉट द वेक्टर फोर्स दैट अपीयर्स इन न्यूमरेटर, इट इज कंपोनेंट ऑफ दैट फोर्स। इट्स डायमेंशंस आर m, l -1, t -2, क्योंकि ये a जीरो की तरफ जा रहा है तो p f के बराबर हो गया है, तो ये वाला जो फोर्स है वो नॉर्मल कंपोनेंट है, प्लस इसकी डायमेंशन प्रेशर के बराबर है। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर की डायमेंशन लिखी हमने, प्रेशर की डायमेंशन की बात कर रहे हैं, P की डायमेंशन है m, l -1, t -2, और प्रेशर की ऐसा यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट हैज बीन नेम्ड एज पास्कल, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं, किसे सम्मान देने के लिए, इन ऑनर ऑफ द फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल हु कैरीड आउट पायनियरिंग स्टडीज ऑन फ्लूइड प्रेशर। एक कॉमन यूनिट ऑफ प्रेशर इज द एटमॉस्फेरिक, एटीएम से दिखाते हैं उसको, और इनमें रिलेशन हम एस्टेब्लिश करेंगे, दैट इज प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट सी लेवल। समुद्री सतह यानी समुद्र तल, आप जब भी किसी रेलवे स्टेशन पे जाएंगे उसका बोर्ड देखेंगे, उसके नाम का बोर्ड, साइन बोर्ड देखेंगे, तो वहां पर नीचे लिखा रहेगा समुद्र तल से ऊंचाई, तो वही उसी की बात हो रही है। तो सी लेवल को हम रेफरेंस लेते हैं, प्रेशर एग्जर्टेड बाय एटमॉस्फेयर एट सी लेवल 1 atm is 1.013 into 10 to the power 5 pascal. So this is the relation between atm and pa pascal. Another quantity that is indispensable in describing fluids ki properties ko padhne ke liye is the density rho for a fluid of mass m occupying volume v. So hum usko density symbol rho se dikhayenge. Rho is mass upon volume. डायमेंशंस ऑफ डेंसिटीज आर ML-3, जैसे यहां से हम देख रहे हैं, और ऐसा यूनिट है kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का भी
इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा इस चैप्टर में आगे, इसको हम समझ के चलेंगे। इट इज ए पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, भी स्केलर है और डेंसिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ए लिक्विड इज लार्जली इनकम्प्रेसिबल एंड इट्स डेंसिटी इज देयरफॉर नियरली कॉन्स्टेंट एट ऑल प्रेशर। अगर किसी को दबाया नहीं जा सकता है तो उसकी डेंसिटी में चेंज नहीं किया जा सकता, किसी को एक्सपांड नहीं किया जा सकता तो उसकी डेंसिटी में चेंज नहीं किया जा सकता। ये आप फील कर लें, महसूस कर लें सिरिंज में पानी भरने के बाद, आगे उसकी निडल को चॉक करके, चॉक करके मतलब उसमें लकड़ी फंसा दो या कोई ऐसी चीज जिससे आगे का छेद बंद हो जाए निडल का। अब उसके पिस्टन को आगे खिसकाने की कोशिश करो तो आप नहीं खिसका पाएंगे, काफी प्रेशर लगा ले, नहीं फोर्स लगा ले, नहीं खिसका पाएंगे। पीछे की तरफ खींचना चाहो तो बीच की एयर, हवा जो है वो एक्सपांड हो जाती है, यानी अगर वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं तो वहां जो बची हुई हवा है वो एक्सपांड हो जाती है। अगर हवा ना हो तो खींच भी नहीं पाएंगे। और सेम एक्सपेरिमेंट विद एयर, यानी खाली सिरिंज के साथ करके देखना बिना पानी भरे, यू विल फील इट। सो लिक्विड इज लार्जली इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल तो ये अजम्पशन भी होता है, वाटर को हम क्या मानेंगे, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एंड इट्स डेंसिटी इज देयरफॉर नियरली कॉन्स्टेंट एट ऑल प्रेशर। गैसेस ऑन द अदर हैंड एग्जिबिट अ लार्ज वेरिएशन इन डेंसिटीज विद प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने पर डेंसिटी बढ़ जाती है या डेंसिटी चेंज होती है प्रेशर के। डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी की बात करें, 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 277 केल्विन इज 1 × 10³ kg/m³, क्योंकि डेंसिटी बढ़ेगी जैसे ऊपर का पानी नीचे के पानी को दबाएगा। तो अच्छा, टेम्परेचर अगर चेंज करेंगे तो डेंसिटी चेंज होगी, टेम्परेचर के साथ डेंसिटी कैसे चेंज होती है, पर्टिकुलर वाटर के केस में कैसे होती है, उसे स्टडी करेंगे। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ज्यादातर बच्चे जब इसकी डेफिनेशन मांगी जाती है तो ये भूल जाते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री, यानी हम वाटर की डेंसिटी के रेफरेंस में डिफाइन कर रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी, और साथ साथ आपको ये भी मेंशन करना है कि 4 डिग्री पर, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पर डेंसिटी अलग अलग होगी। इट इज अ डायमेंशनलेस पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, रिलेटिव है ना, तो ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं ऐसे दिखाऊंगा बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी रॉ सबस्क्रिप्ट आर, इट इज डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम। जैसे मैं शहद की डेंसिटी नापना चाहता हूं, लोहे की नापना चाहता हूं, तांबे की, सोने की, और नीचे आ जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर। अब ऊपर भी केजी पर मीटर क्यूब, नीचे भी केजी पर मीटर क्यूब, तो दोनों यूनिट्स कट गए, तो यूनिटलेस डायमेंशनलेस। फॉर एग्जांपल द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम 2.7, यानी पानी के मुकाबले 2.7 गुना ज्यादा भारी होता है ये, या कॉम्पैक्ट होता है। इट्स डेंसिटी इज 2.7 × 10³ kg/m³। डेंसिटीज ऑफ सम कॉमन फ्लूइड्स आर डिस्प्लेड। वाटर की डेंसिटी स्टैंडर्ड हमने रेफरेंस लिया है 1.00 × 10³ सी वाटर, 1.03 × 10³, यानी थोड़ा सा ज्यादा डेंसिटी होती है क्योंकि उसमें सॉल्ट घुले होते हैं। मरकरी की डेंसिटी 13.6 टाइम्स होती है वाटर के कंपैरिजन में। इथाइल अल्कोहल 0.806, यानी पानी में अगर अल्कोहल मिलाएंगे तो अल्कोहल को तैरना चाहिए। अगर ये इमिसिबल होता तो तैरता, पर ये मिसिबल है तो मिक्स हो जाता। होल ब्लड 1.06, खून की डेंसिटी ज्यादा होने से पानी में अगर आप डालेंगे, जैसे शहद डालते हैं तो शहद नीचे जाकर बैठ जाता है, तो खून भी धीरे धीरे सेटल हो जाएगा, पानी ऊपर बचेगा, पर जितना मिक्स हो गया वो मिक्स हो गया, फिर उसको आप सेपरेट नहीं। एयर की डेंसिटी 1.29 बहुत कम है इसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन 1.43। और इसी बात का फायदा हम उठाते हैं बच्चों कि ऑक्सीजन नीचे रहती है और हमें आसानी से मिलती है, नहीं तो जो भारी गैस होगी वो नीचे रहेगी, और भारी गैस जो है वो नीचे रहेगी, उसकी जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे रहेगी। अभी ऑक्सीजन की डेंसिटी ज्यादा होने से हम ऑक्सीजन इजीली इनहेल कर पाते हैं। हाइड्रोजन, उसकी डेंसिटी कम है, वो ऊपर रहेगी, 9 × 10⁻², बहुत ही कम है। यही कारण है कि हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे हवा में ऊपर और ऊपर उठते चले जाते हैं, यानी उड़ जाते हैं। इंटरस्टेलर स्पेस में जाएं तो डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, एयर की 10⁻², या एयर वहां पर नहीं होती, 10⁻²kg/m³, यानी इंटरस्टेलर स्पेस में जो भी सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी बहुत कम है अकॉर्डिंग टू दिस टेबल।
10.1. अब इसके बाद आता है एग्जांपल 10.1. द टू थाई बोन्स फीमर्स ईच ऑफ क्रॉस सेक्शुअल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑफ मास 40 केजी. जो आपने गौर किया हो तो हमारे घर में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो घुटनों की समस्या से पीड़ित हैं, गठिया बाय जिसको बोलते हैं, यानी वात वाला रोग है, गैस की वजह से गैस भर जाती है घुटनों की हड्डी में जाकर डिफॉर्मेशन होती है वगैरह वगैरह. अब उनको समस्या होती है खड़े होने में, बैठने में, जॉइंट चलाने में उनको समस्या होती है. तो एक्चुअल में जिसका वजन ज्यादा होगा उसको ज्यादा समस्या होने वाली है. रीजन टू थाई बोन्स फीमर्स, अभी हम थाई बोन्स की बात कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है जो अपर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट कर रही है, मास 40 केजी है, तो कम मास होने से आसानी रहेगी, हल्के फुल्के लोग इस समस्या से कम पीड़ित होते हैं, भारी लोग ज्यादा पीड़ित होते हैं. एस्टिमेट द एवरेज प्रेशर सस्टेन्ड बाय फीमर्स, कितना प्रेशर वहां पे आ रहा है. तो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हमने देखा दो है, तो 2 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 20 आ गया मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. फोर्स एक्टिंग एफ 40 केजी वेट है, केजी वेट को केजी एफ या केजी वेट बोल सकते हैं, इसको हमने न्यूटन में बदला, 9.8 की बजाय 10 ले लिया हमने जी को, 400 न्यूटन. दिस फोर्स इज एक्टिंग वर्टिकली डाउन एंड हेंस नॉर्मली ऑन द फीमर्स, दैट इज द एवरेज प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. तो 400 न्यूटन को डिवाइड कर दिया 20 × 10⁻⁴ से, व्हाट विल गेट 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. तो ये हमने देखा प्रेशर क्या है, डेंसिटी को समझा बच्चों आज के लेक्चर में. अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा पास्कल्स लॉ. टिल देन हैप्पी लर्निंग.